नमस्ते फ्रेंड्स, प्रोसेस आर्ट क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। ये है मेरा रेंटेड अपार्टमेंट और आज मैं इस डाइनिंग स्पेस का मेकओवर देने वाली हूँ। इस मेकओवर के लिए मैंने बोहो थीम ऑप्ट किया। इसमें मैंने मैक्सिमम DIYs यूज़ किए हैं और आपके साथ 3 DIYs मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन and don't forget to subscribe the channel. Friends, ये है देखिए पोछा का कपड़ा जो हम generally use करते हैं पोछने के काम। इसका पहला DIY बनाएंगे। और ये जो आप potato का cut देख रहे हैं, ये मैंने as a stencil use किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये मैंने पहले भी video में डाला है किस तरह से stencil बनाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैंने यहां एक्रेलिक कलर यूज़ किया है थोड़ा वाटर से डाइल्यूट करके। मैंने इसमें ब्रश का इस्तेमाल नहीं किया है। आई हैव यूज्ड ओनली फ्यू थिंग्स एज अ स्टेंसिल। इट्स इजी एंड वेरी फास्ट प्रोसेस। इसको बनाने के लिए मैंने उनको एक साइज़ का कट कर लिया और क्रोशिया की मदद से इसको इसमें बांधना शुरू किया। इस तरीके से अंदर में भी मैंने ब्राउन कलर के ऊन से मैंने एक पैटर्न बनाया, क्रोशे की मदद से ही बनाया। फिर दो पॉम्पम बनाए, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ मैंने उसको बांध दिया। इसको बांधने के बाद ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड करके सिलाई कर दिया ताकि उसमें रस्सी पिरोया जा सके। और बीच में मेरे पास एक दुपट्टा था, उसके किनारे को काट करके, बॉर्डर को काट के उसमें मैंने लगा दिया। ये देखिए कुछ इस तरीके से। चलिए अब चलते हैं DIY 2 के लिए मैंने एक खाली बॉटल ली, उसके कैप को मैंने इस तरह से होल्ड करा करके एक थ्रेड उसमें से निकाला। मैंने ये नाड़े का काट करके रखा था। बॉटल में मैंने ऑयल डाला, मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाला, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। ये प्रोसेस, ये आइडिया मैंने अपने दादी और नानी से लिया जो पहले यूज़ किया करती थी इस तरह से बना के। ये देखिए बनके तैयार हो गया है ना, इजी प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट DIY इज बोहो हिप्पी कर्टन। फॉर दिस यू हैव टू टेक ऑल द स्क्रैप मटेरियल। आपके पास जितने भी स्क्रैप कपड़े हैं उनको एक साइज में काट लेना है। मैंने ये 2 इंच की चौड़ाई में काटा है। लेंथ मैंने काफ़ी 6 इंच जैसा रखा था, 6 से 7 इंच। इस तरीके से आपके पास पर्दे का रॉड है या लकड़ी वाला है, कुछ भी है, उसमें आप इस तरह से बना सकते हैं। आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस। बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। एक कॉर्नर को आप मिला लीजिए, दूसरे साइड इस तरह से फोल्डेड रहेगा और रॉड के ऊपर इस तरह से रखिए, नीचे से इसको पार कीजिए और फिर इस तरह से निकाल के इसको लॉक करिए। न
नीचे के साइड भी इसी तरह से करना है जैसे आपने हमने रॉड में किया था, उसी तरह से ये कपड़े के साथ भी अटैच करना है। कुछ इस तरीके से नीचे जो अनइवन थे, काफ़ी लंबे थे, उनको मैंने खाली कट कर दिया, बाकी मैंने रहने दिया। वाव, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। ये देखिए, चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मेरे पास ये केन बास्केट थी और इसको मैंने यूज़ किया आर्टिफिशियल प्लांट को हैंग करने के लिए। मैंने इस प्लांट को एक बॉटल में डाल के फिर इसको हैंग किया। यहाँ मैंने एक दूसरा DIY रखा है, ये है मैक्रेम वॉल हैंगिंग। इसका वीडियो मैंने शेयर किया है आप लोगों के संग, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है बैम्बू लैंप, इसे भी मैं हैंग करने वाली हूँ। टेबल रनर के लिए मैंने इस्तेमाल किया ये शॉल, ये एक वुलन शॉल है सॉफ्ट। ये देखिए ये ट्रे जो बनाया है, ये भी DIY है। और ये बॉटल देखिए, ये बॉटल भी मेरा DIY है। ये ऑयल लैंप, चलिए बिफोर और आफ्टर देख लेते हैं। ये इवनिंग व्यू है,
फ्रेंड्स, इसमें से आपको कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।